राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी पर झारखंड की सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने अभिषेक दुबे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के भांजे ने एसपीजी से इस्तीफा देकर नागपुर में एक क्लास शुरू की है जिसका नाम जयकुमार बिलखड़े है। उनके जरिए तीन विधायक कांग्रेस के अमित कुमार यादव और इरफान अंसारी और निर्दलीय उमाशंकर अकेला को फ्लाइट का टिकट देकर दिल्ली बुलाया गया जहां 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई। बावन कुले और 2 विधायक महाराष्ट्र के उनके साथ हुई और बातचीत हुई और पैसे देने की बात हुई। फिर ये विधायक रांची चले गए, मंत्री नवाब मलिक ने कहा। इसके बाद फिर 21 तारीख को बीजेपी कुछ नेताओं जो रांची के होटल में रुके थे जहां उन्होंने विधायकों से चर्चा की, उन्हें पैसे का लालच दिया, वहीं गड़बड़ी होने का संदेह होने पर वहां से निकल गए। लेकिन पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक शराब कारोबारी भी है। इसी तरह होटलों में हुई, विवंता नाम का होटल है जहां पे ये मुलाकात बावन कुले और महाराष्ट्र के 2 विधायकों के बीच में हुई, कुछ बातचीत हुई, कुछ पैसा देने की बात हुई। उसके बाद विधायक वापस ये रांची चले गए, झारखंड चले गए। बाद में पुलिस का छापा पड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसके अंदर एक शराब के कारोबारी भी है। और आपको जानकारी दे दूं कि जिन बावन कुले साहब का नाम इसमें आ रहा है, पूर्व मंत्री, वो आबकारी मंत्री एक्साइज के महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे और शायद शराब के कारोबार। झारखंड